सो वेलकम टू द इनसाइड न्यूज़ क्रिकेट स्टोरी यूट्यूब चैनल। और ये इस वीडियो में हम बात करेंगे SRH और मुंबई इंडियंस की मैच नंबर 8 जो खेला जाना है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में, और 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। तो जो कोई भी नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इस वेन्यू में क्या स्टैट है और कैसी रहेगी ये पिच, और क्या यहाँ से SRH ये मैच जीतेगी या मुंबई इंडियंस। और अगर इन दोनों टीम्स की बात की जाए तो दोनों ही टीम्स हार के आ रही है। SRH ने KKR के साथ वो हार का सामना किया, और वहीं बात की जाए मुंबई इंडियंस की तो उन्होंने GT के साथ वो मुकाबला हारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही टीम हार के आ रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बात की जाए इस वेन्यू की तो टोटल 71 मैचेस खेले गए हैं इस वेन्यू में, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 32 बार जीता है, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 38 बार जीता है और एक बार टाई हुआ है। और जो एवरेज स्कोर है इस पिच पे पहले बैटिंग करने वाली टीम का वो 159 है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है, बैलेंस पिच है बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। और अगर यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 150 का जो स्कोर है वो 35 बार बनाया है, उससे नीचे का स्कोर, और 150 और 169 के बीच का स्कोर 10 बार बनाया है, वहीं 170 और 189 के बीच का स्कोर 12 बार बनाया है, और 190 से ऊपर का स्कोर 14 बार बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 150 के नीचे 35 बार बनाया, जो काफ़ी बड़ा डेटा है। तो फिलहाल और 190 का जो अबव स्कोर है वो 14 बार है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये बैलेंस पिच लगती है बैटिंग और बॉलिंग के साथ। और अगर आप टीम में टीम बना रहे हो तो एक टीम में ऐसा करना कि इस तरह का सिनेरियो रखना कि अगर बैटिंग कोलैप्स कर जाती है दोनों टीम की तो नीचे वाले जो बीच में आएंगे प्लेयर्स उनको ज़रूर रखना। तो यहाँ पर हेनरी क्लासन काफ़ी मेन रहेंगे इस मैच में। बात की जाए रिसेंट मैचेस की इस वेन्यू में तो 18 मई को जो मुकाबला हुआ था उसमें SRH ने बनाए थे 186 रन 7 विकेट खोकर, और आरसीबी ने उस टारगेट को काफ़ी आसानी से चेस कर लिया था। 187 रन बनाए थे आरसीबी ने 2 विकेट खोकर, और उस मैच में पेसर्स को 2-2 विकेट्स मिले थे दोनों ही इनिंग में, तो टोटल 4 विकेट्स मिले थे वहाँ पेसर्स को। स्पिनर्स की बात की जाए तो वहाँ पर पहली इनिंग में 3 विकेट और दूसरी इनिंग में कोई विकेट नहीं मिली, और सिर्फ 3 ही विकेट मिले स्पिनर्स को। वहीं 13 मई को जो मुकाबला हुआ था SRH और LSG के बीच में, लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, उसमें SRH ने 182 रन बनाए थे और वो डिफेंड नहीं कर पाई थी SRH, और LSG ने वो मुकाबला जीत लिया था। 185 रन बनाए थे, काफ़ी आसानी से वो चेस कर लिया था, 3 ही विकेट गिरे थे वहाँ पर LSG के। और पेसर्स ने में को 3 विकेट पहली इनिंग में मिले थे और दूसरी इनिंग में कोई सफलता नहीं मिली, और 3 ही विकेट्स मिले वहाँ पर पेसर्स को। वहीं स्पिनर्स की बात की जाए तो 3-3 यहाँ पर दोनों ही इनिंग में मिले स्पिनर्स को विकेट, टोटल 6 विकेट्स मिले। और आगे बात की जाए 4 मई को जो मुकाबला खेला गया था KKR और SRH के बीच में, उसमें KKR ने बनाए थे 171 रन और SRH ने वो चेज नहीं कर पाई थी, और 166 रन में बना के वो 8 विकेट खोकर वो मैच हार गई थी। और उस मैच में पेसर्स को 6-6 विकेट्स मिले थे दोनों ही इनिंग में, तो टोटल 12 यहाँ पर विकेट्स मिले थे पेसर्स को। स्पिनर्स को 2-2 विकेट्स मिले थे दोनों ही इनिंग में, टोटल 4 विकेट्स मिले थे वहाँ स्पिनर्स को। बात की जाए 24 अप्रैल का जो मुकाबला हुआ था उसमें DC डेक्कन चार्जर्स ने 144 माफ कीजिएगा दिल्ली कैपिटल्स ने 144 रन्स बनाए थे और 9 विकेट खोकर, वहीं SRH वो मैच हार गई थी और चेज नहीं कर पाई, 137 का ही स्कोर बना पाई। और DC से मुझे याद आ रहा था कि डेक्कन चार्जर्स भी थी एक टाइम पे। तो पेसर्स की बात की जाए तो पहली इनिंग में
तीन विकेट्स पेसर्स को पहली इनिंग में मिले थे और तीन विकेट्स पेसर्स को दूसरी इनिंग में मिले थे, तो टोटल छः विकेट्स मिले थे वहाँ पेसर्स को। और साथ सेम सिनेरियो वहाँ पर स्पिनर्स के साथ देखा गया, तीन तीन विकेट मिले। और अगर बात की जाए बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है यहाँ पर, तो स्पिनर्स को यहाँ पर 19 विकेट्स मिले हैं टोटल, और 25 बार पेसर्स को मिले हैं विकेट, टोटल विकेट्स 25 मिले हैं। और अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो स्पिनर्स को 11 विकेट, वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 8 विकेट और फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 14 विकेट, और सेकंड इनिंग में पेसर्स को विकेट मिले हैं 11। तो ये है हमारी जो बॉलिंग की बात की जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ही यहाँ पर एक बैलेंस लगता है यहाँ पर, तो मैक्सिमम आप पेसर्स को लेके चलना है इस वेन्यू में। और रही बात यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो अभिषेक शर्मा है इनके पास, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछले मैच में, 32 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल आए थे और उन्होंने भी 32 रन बनाए, तो दोनों ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, एक टाइम पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था। और अगर यहाँ पर मयंक अग्रवाल अगर प्लेइंग 11 में नहीं शामिल होते हैं तो टी नटराजन ज़रूर आएंगे उनके रिप्लेसमेंट में। और उसके बाद है राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी ने 20 रन बनाए, ठीक ठाक बनाए। और उसके बाद आए एडन मकरम, एडन मकरम से बॉलिंग तो नहीं कराई गई अभी तक, तो मैं इनको एक बैटिंग सेक्शन में ही रखूँगा। और उसके बाद है हेनरी क्लासन, हेनरी क्लासन ने काफ़ी बढ़िया पारी खेली लास्ट मैच में, 63 रन बनाए उन्होंने, और हेनरी क्लासन का इस वेन्यू में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है और अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो ज़रूर याद रखिएगा हेनरी क्लासन को आपको अपनी टीम में ज़रूर रखना है। और हेनरी क्लासन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में ज़रूर रखना, ग्रैंड लीग की टीम में तो मस्ट है। और उसके बाद है अब्दुल समाद नीचे खेलने आ रहे हैं, बट ना उनके विकेट्स हैं ना इतने वो हैं, बट ठीक ठाक है, तो अब्दुल समाद को आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा, बट फिलहाल मैं अपनी टीम में नहीं रखूँगा अब्दुल समाद को। उसके बाद है शहबाज अहमद का भी रिकॉर्ड थोड़ा सा सही है विकेट के मामले में, पिछले मैच में उन्होंने एक ही रन बनाया। और फिर है मार्को जेंसन ने एक ही रन बनाया और कोई सफलता उनके हाथ में नहीं लगी, बट मार्को जेंसन का अगर पिछला रिकॉर्ड देखे तो 56 और एक विकेट और दो विकेट लिए हैं, तो मार्को जेंसन मस्ट पिक बनते हैं इस टीम से। उसके बाद है पैट कमिंग्स ने एक ही विकेट उनके हाथ में आया। और उसके बाद है भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर कुमार के अगर विकेट देखे तो उन्होंने तीन ओवर तो काफ़ी अच्छे कराए थे, बट वो लास्ट ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था, फिलहाल उनके हाथ में कोई सफलता नहीं। और भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं इस मैच में, तो ध्यान रखिएगा आप अपनी टीम में ज़रूर रखना। तो ये है यहाँ से जो प्लेइंग 11 है यहाँ से। और यहाँ से अगर हम बात करें तो मयंक मारकांडे शायद यहाँ से मिस हो गया है, तो मयंक मारकांडे का काफ़ी बढ़िया उन्होंने विकेट्स लिए थे, दो विकेट्स लिए थे उन्होंने, और पिछला रिकॉर्ड भी देखे हुए तो एक विकेट दो विकेट ज़रूर लिए, तो मयंक मारकांडे यहाँ से एक मस्ट पिक बनते हैं 11वें खिलाड़ी। इसके बाद बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की बेंच प्लेयर्स की, तो उनके पास है ग्लेन फ्लिप्स को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे ये पूरा श्योर नहीं है, बट अगर खिलाएंगे तो बढ़िया पिक है वो। फिर सनवीर सिंह है, ठीक ठाक प्लेयर है, टी नटराजन ज़रूर इस मैच में खेलेंगे और काफ़ी अच्छे विकेट्स भी लिए थे उन्होंने पिछले मैच में। और अगर यहाँ पर हेड की बात की जाए तो शायद हेड को चांस मिले इस मैच में खेलने का, और स्कोर भी ठीक ठाक है हेड का। और उसके बाद है जयदेव भी ठीक ठाक खेल लेते हैं। फिर
फजल फरूकी है, अगर फजल फरूकी खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे पिछले मैचेस, अगर उनकी बात रिसेंट मैचेस की बात करी जाए तो उन्होंने काफ़ी विकेट ज़रूर चटकाए हैं, तो अगर फजल फरूकी खेलते हैं तो वो मस्ट पिक बनते हैं। फिर यादव हैं, यादव का भी ठीक ठाक है। उसके बाद अनमोल प्रीत सिंह हैं, उनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, शायद मुश्किल ही खिलाएंगे। सुब्रमण्यन हैं, अगर खेलेंगे तो ज़रूर एक टीम में रखेगा ग्रैंड लीग में। उसके बाद रेड्डी हैं, रेड्डी का भी ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। आकाश सिंह हैं उनके पास, फिर वाशिंगटन सुंदर हैं, वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं तो मेरे हिसाब से उनका वो एक एक में एक मैच में चलते हैं, एक मैच में नहीं चलते, तो मैं तो वाशिंगटन सुंदर को लीव करूँगा। और हसरंगा तो अभी आए नहीं हैं, तो हसरंगा इस मैच में तो खेलेंगे ही नहीं। उरमान मलिक है, उरमान मलिक से थोड़ी सी उम्मीद है, बट इस मैच में मुश्किल ही खिलाएंगे उरमान मलिक को। तो ये रही बेंच प्लेयर्स की बात। अगर हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके पास है ईशान किशन। ईशान किशन ने पिछले मैच में कुछ किया नहीं है, बट अब पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखा तो 52 का स्कोर बनाया था उन्होंने और 58 का भी। वहीं रोहित शर्मा तो काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, और जब से ये कप्तानी छोड़ी है मुंबई इंडियंस की तो अब खुल के खेल रहे हैं। 43 रन बनाए थे उन्होंने पिछले मैच में, और उससे पहले 121 का स्कोर वो, तो कहीं ना कहीं खुल के खेल रहे हैं। और ज़रूर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन रखने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, ड्रीम 11 टीम में आप ज़रूर रखिएगा। फिर ब्रेविस है, ब्रेविस ने काफ़ी बढ़िया खेला, 46 रन बनाए और पिछला स्कोर भी सही है, तो ब्रेविस यहाँ से एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ज़रूर आएंगे, दिख सकते हैं इस मैच में। वहीं तिलक वर्मा है, उन्होंने भी ठीक ठाक स्कोर बनाया। और फिर हार्दिक पांड्या हैं जिन्होंने सिर्फ 11 रन बनाया और कोई सफलता उनके हाथ में नहीं लगी। बट एक ज़रूर एक बात को मैं बोलूँगा कि हार्दिक पांड्या को मैं एक टीम में दो टीम में अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ड्रॉप ज़रूर करूँगा, तो एक रिस्क लेके ज़रूर जाऊँगा इस मैच के लिए। तो और बात की जाए उसके बाद टीम डेविड की, तो टीम डेविड ने भी 11 रन बनाए पिछला, अगर उनके स्कोर देखे तो इतना ठीक ठाक, इतना खास नहीं। फिर नमनधीर है, नमनधीर ने 20 रन बनाए, कोई सफलता उनके हाथ में नहीं लगी। फिर सैम्स मुलानी हैं, उन्होंने 1 रन बनाया और कोई सफलता उनके हाथ में नहीं लगी, बट एक डिसेंट बॉलिंग कराते हैं सैम्स मुलानी, तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे इस मैच के लिए। अगर आपको एक दो ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो तो रखिएगा ज़रूर। वहीं उसके बाद पीयूष चावला है, पीयूष चावला ने पिछली बार के सीज़न में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी थी और पिछले मैच में उनको एक ही विकेट मिला, बट इस मैच में वो काफ़ी मस्त पिक बनते हैं। मैं एक टीम में उनको ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलूँगा। वहीं गॉडजे को 2 सफलता मिली और ठीक ठाक रिकॉर्ड है यहाँ पर और जगह। और जसप्रीत बुमराह तो मस्त पिक बनते ही हैं, 3 विकेट उन्होंने लिए और एक टीम में ज़रूर मैं उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलूँगा। तो ये रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात। तो आगे चलते हैं, इनके बेंच प्लेयर की बात करते हैं। तो बेंच प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर उनके पास विष्णु विनोद हैं जो शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे, इतना तो है। और शर्मा है उनके पास, और वुड हैं, अगर वुड आते हैं तो वुड अगर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं तो ज़रूर एक मस्त पिक रहेंगे, वैसे तो एक टीम में लेके चलूँगा अगर वो प्लेइंग 11 में खेलते हैं। फिर रोमेश सेपर्ड है, वो भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक प्लेयर है, आप लेके चल सकते हो एक टीम में। नाबी का मैं बोल सकता हूँ कि नाबी अगर खेलते भी हैं तो मैं उनको मुश्किल लूँगा अपनी टीम में, तो यहाँ से मैं उनको ड्रॉप करूँगा ज़रूर। फिर कार्तिकेय है उनके पास, आकाश मधवाल अगर खेलते हैं तो एक बढ़िया पिक रहेंगे, क्योंकि इसी टीम के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए थे और अगर खेलते हैं तो मस्त पिक रहेंगे। फिर तुषारा है इनके पास, बैंड्रॉफ है, अगर तुषारा को खिलाते हैं तो अच्छे बॉलर हैं,
अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो ज़रूर अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हो तुषारा को, और मधुशंका है इनके पास, और मधुशंका अगर खेलेंगे तो एक टीम में ज़रूर रखूँगा मैं अपनी ग्रैंड लीग टीम में मधुशंका को। शीरज गोपाल है उसके बाद, और तेंदुलकर आपको पता ही है कि क्या लगता है आपको, खेलेंगे खेलेंगे, मुझे तो लगता है कि नहीं खेलेंगे शायद मुंबई इंडियंस एज यूजुअल, पर ये देखेंगे कि क्या प्लेइंग 11 के बाद जब लाइनअप आएगी तो तभी पता लगेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो तेंदुलकर को नहीं खिलाएंगे। काम्बोज इनके पास ठीक ठाक प्लेयर है, मापका है तो मापका भी ठीक ठाक ही प्लेयर है इनके पास। तो फिलहाल ये है बेंच प्लेयर्स की बात मुंबई इंडियंस की, आगे चलते हैं। तो ये इस वेन्यू की बात की जाए तो सनराइज़र हैदराबाद ने यहाँ पर 51 मैचेस खेले हैं, इसमें से 31 बार वो जीती है और 20 बार वो हारी है। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है यहाँ पर इस वेन्यू में सनराइज़र हैदराबाद का। उसके बाद बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 12 मुकाबले खेले हैं इस वेन्यू में और 8 बार वो जीती है और 4 बार वो हारी है और टाई रहा है 0 का। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर हेड टू हेड की, तो इन दोनों टीम्स के बीच में 21 मैच खेले गए हैं जिसमें से 9 दफ़ा सनराइज़र हैदराबाद जीती है, वहीं मुंबई इंडियंस 12 बार। तो यहाँ पर कहीं ना आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस आ गए, और इस वेन्यू में दोनों ने ही 4-4 लिए हैं और शायद इस वेन्यू के बाद ये थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाएगा, 5-4 या 4-5 का ज़रूर होगा यहाँ पर। तो इसके बाद बात की जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ज़रूर है मुंबई इंडियंस। तो एक स्मॉल लीग टीम जो है मैंने जो रखा है इस टीम में, मैंने हेनरी क्लासन को विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा है, ईशान किशन को लिया है मैंने, शर्मा को लिया है एज अ कैप्टन, और बैटिंग सेक्शन में मयंक अग्रवाल, तिलक वर्मा को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने मकरम और हार्दिक पांड्या को लेकर चलूँगा। बॉलिंग सेक्शन में मैंने पीयूष चावला बुमराह को वाइस कैप्टन रखा है और नटराजन को रखा है और मारकांडे को रखा है। तो ये रही कि एक स्मॉल लीग की टीम मेरी। यहाँ पर आप रोहित शर्मा तो मस्ट पिक बनते हैं कैप्टन के लिए, अगर वाइस कैप्टन के लिए जाना चाहते हो तो आप ईशान किशन को भी ले सकते हो। ईशान किशन अगर पिछला मान के चल रहे हो आप कि उन्होंने 0 रन बनाए थे तो यहाँ से तो अच्छा स्कोर करेंगे शायद, या फिर हेनरी क्लासन को वाइस कैप्टन कर सकते हो आप। और दूसरा ऑप्शन आपके अगर नटराजन खेलते हैं तो वाइस कैप्टन को भी रख सकते हो। तो दूसरी टीम की बात करी जाए तो मैंने हेनरी क्लासन को एक टीम में वाइस कैप्टन रखा है, ईशान किशन को मैंने साथ में लिया है उनके, रोहित शर्मा लिया है मैंने, और मयंक अग्रवाल और तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने कैप्टन रखे हैं हार्दिक पांड्या, शायद इस मैच में वो ज़रूर विकेट लेंगे, पिछले मैच में तो विकेट लेस गए थे। मार्को जेनसन को रखा है मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में, अगर खेलते हैं तो मैं रखूँगा अपनी टीम में। भुवनेश्वर कुमार को रखा है मैंने, भुवनेश्वर कुमार कहीं ना कहीं विकेट ज़रूर लेंगे, एक या दो विकेट ज़रूर चटकाएंगे यहाँ से। तो वही मैंने टी नटराजन को लिया है साथ में और गॉडसे को लिया है, जसप्रीत बुमराह को तो मैं लेके चलूँगा। ग्रैंड लीग टीम की बात करी जाए तो मैंने यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया है, बट अगर मैं वैसे जाऊँ तो देखिए वाइस कैप्टन सेक्शन में आपको पता है कि रोहित शर्मा तो ज़रूर चलेंगे इस मैच में, क्योंकि खुल के खेल रहे हैं और वो काफ़ी बढ़िया खेलेंगे। क्लासन अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो बढ़िया खेलेंगे, तो यहाँ पर कैप्टन लिए हैं मैंने हेनरी क्लासन को। वहीं साथ ही साथ अगर हार्दिक पांडे को आप रिप्लेस कर सकते हो तो उनको रिप्लेस कर दीजिएगा, ऊपर एक बैटर आप रख सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर अगर ब्रेविस आते हैं तो ब्रेविस आप ज़रूर ऐड करिएगा अपनी टीम में यहाँ पर। और इस टीम में मैंने, जी हाँ, तो हार्दिक पांडे के साथ अगर आप रिस्क लेना चाहते हो रिस्क ले सकते हो। साथ ही साथ मैंने बॉलिंग सेक्शन में पीयूष चावला को रखा है, पैट कमिंस को रखा है, और जसप्रीत बुमराह को रखा है, और टी नटराजन को रखा है। तो ये है मेरी ग्रैंड लीग टीम। और अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं तो यहाँ पर मैंने हेनरी क्लासन को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, ईशान किशन को मैं ड्रॉप करूँगा, रोहित शर्मा को लिया है मैंने साथ में, मयंक अग्रवाल को लिया है और डी ब्रिविस को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने मकरम को लिया है, जेनशन को लिया है। साथ ही साथ बॉलिंग सेक्शन में मैंने बुमराह, गॉडसे, पीयूष चावला,
नटराजन और मार्कांडे को रखा है। तो इस टीम में मैं 5 बॉलर के साथ जा रहा हूँ और कैप्टन मैंने बुमराह और नटराजन को रखा है। तो ये रहेगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।